नाउ स्टूडेंट्स जो मेटा टैग है दैट इज द दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ एस यानी आपकी आपका जो वेब पेज है वो सर्च के तौर पर रिजल्ट में आना है या नहीं आना या आपका जो जो वेब पेज है या जो वेबसाइट है वो यूज़र तक एक्सेस होगी या नहीं होगी जो मेटा टैग है दैट इज़ द कोर मेटा टैग आपके वेबसाइट का यह बताता है सर्च इंजन को कि आपकी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन क्या है वेब पेज में एक्चुअली है क्या यानी उसकी ऑथरिंग क्या है उसमें उसमें कंटेंट क्या है व्हाट इज योर वेबसाइट इज अबाउट आपकी वेबसाइट है क्या यह सबसे इंपॉर्टेंट टैग है जो सर्च इंजन देखता है आपकी वेबसाइट में वो सबसे पहले जाके मेटा टैग में लिखी हुई डिस्क्रिप्शन देखता है उसके बाद ये देखता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च के अगेंस्ट डिस्प्ले करवाना है कि नहीं करवाना अब सिर्फ आप ये रिमाइंड करें कि जब हम एडसेंस या हम लोग एडवर्ड देख रहे थे तो उसको हमने एक बात की थी बिडिंग की बिडिंग क्या थी कि एक कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वेबसाइट्स आप उसमें कंपीट कर रही हैं तो जिसका हाई स्कोर है वो सिलेक्ट हो जाता है तो हाई स्कोर कहां से मेनली ड्राइव होता है मेटाटैक से सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसको अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करने लगे तो यूजली इट इज रिकमेंडेड के जो मैक्सिमम साइज मेटर टैग में आप रखें ना क्योंकि ये समरी है बहुत डिटेल नहीं होती तो 160 सौ साठ करेक्टर्स रिकमेंडेड है अगेन एक बात याद रखें क्योंकि मेटा टैग का साइज क्या रख रहे हैं टाइटल का साइज क्या रखना है क्योंकि ये गूगल का बिजनेस सीक्रेट है दे विल नेवर एवर ऑफिशियली डिस्कलोज इट लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है यानी जो लोग अमूमन कहते हैं कि एक सौ तो साठ करेक्टर का जो कॉन्टेंट है फॉर फॉर समरी टू यानी हम मेटा टैग में एक सौ तो साठ करेक्टर अगर लिखते हैं दैट इज मोर देन मूविंग फॉरवर्ड मेटा टैग बेसिकली आपकी वेबसाइट के बारे में कीवर्ड होते हैं अमूमन जो जिनका डायरेक्ट लिंक है एडसन से एडवर्ड से यानी मैंने अगर कीवर्ड को लिखा गूगल के ऊपर वो गूगल का कीवर्ड डायरेक्टली जाके मैच होता है वेबसाइट के मेटा टैग में लिखे हुए की से नाउ यू कैन इमेजिन के मेटा टैग में लिखे हुए कीवर्ड और जो यूजर सर्च कर रहा है जो सर्च में लिखे हुए कीवर्ड है अगर वो मैच नहीं हो रही या रेलिवेंट नहीं है तो आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं आएगी आपकी वेबसाइट का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट होगा तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड के इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेटा टैग को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करें जो मेटा टैग होता है अमूमन जो हमने अभी अभी एक अभी थोड़ा कोर्ट देखा था अमूमन हम इसको हेड सेक्शन में रखते हैं यानी पहले एच का सेक्शन था फिर हेड का सेक्शन था यानी अमूमन हम इसको हेड uh, सेक्शन में लगते हैं, ताकि ये वेब पेज को डिस्क्राइब कर सके सो नाव मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखें कि जब मेटा टैग को यूज़ करते हुए हमने वेब पेज को डिस्क्राइब कर दिया अगेन ये मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि देर इज नो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ द मैटाटैग यानी जितने करेक्टर्स आप मैटाटैग में लिख सकते हैं इसमें कोई वो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको पहले बताई कि अगर आपकी वेब पेज के अंदर जो भी जितने भी करेक्टर वेब पेज के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उसका अगर 10 परसेंट भी आप एक तो बेस्ट प्रैक्टिस ये थी कि आप आ, 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 आप आप वन सिक्सटी मैक्सिमम करेक्टर रखें या फिफ्टी से थ्री हंड्रेड करेक्टर रखें ये कुछ जनरल रिकमेंडेशन है एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो आपका कॉन्टेंट है वेब पेज के ऊपर लेट सपोज आप वेब पेज के ऊपर हजार करेक्टर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो टेन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड इज लाइक हंड्रेड तो टेन परसेंट तक आपको मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डोंट टेक इट एज फाइनल वर्ड यानी फाइनल बातें नहीं है ये रूल नहीं है जिस तरह टू प्लस टू हमेशा टैग एक्चुअली डिस्प्ले होता किधर है सो so जो आपको अभी इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है जब आपकी वेबसाइट सर्च में नजर आ जाती है तो अब आप देखें मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन को हाइड किया फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग ब्रीड इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ये तो हो गया टाइटल नीचे आ रहा है यू आर एल यू आर एल के नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड इन्फो पिक्चर्स ब्रीडर्स और सारा कॉन्टेंट ये मेटा से उठ रहा है ये जो भी मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में चीज़ लिखी होगी वो यहां पर डिस्प्ले हो रही होगी सो नाउ यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल टैग जो हमने डिस्कस किया एंड मेटा टैग अगर ये दो टैग प्राइमरली आपके ऑप्टिमाइज नहीं है तो आ, आ, जो एस है या जो आपकी आ, सर्चिंग है जो आपकी आ, सर्च इंजन से सर्च होनी है आपकी वेब पेज में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है तो हम अभी आ, आगे जाके मेटा टैग के जो कोड है बहुत हाई लेवल पे कोड को हम जाके एक्सप्लोर भी करेंगे